हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेंस। मैं रूपाली वर्मा आज आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ आपकी क्लास 12 की हिंदी की बुक आरोह भाग दो के 15वां अध्याय। 15वां अध्याय है हमारा चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कि चार्ली चैपलिन के बारे में बताया गया है और साथ ही चार्ली चैपलिन से हम सब कैसे कनेक्टेड हैं ये भी बताया गया है और साथ ही हमें दिया गया बताया गया है कि हमें भी उसी तरीके से बनना चाहिए, अर्थात अपनी मुसीबतों में हम हंसते रहें, ये चीज की प्रेरणा हमें इस पाठ में मिलेगी। तो सबसे पहले पाठ का प्रतिपाद्य देखते हैं, मतलब हम संक्षेप में देखेंगे कि इस पाठ के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने बताया है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि चार्ली चैपलिन कैसे व्यक्ति थे। चार्ली चैपलिन की सबसे बड़ी विशेषता करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य है, मतलब वो ऐसे जहां पर हम सभी को रोना आ जाए उसी में हास्य को कैसा पैदा कर देते थे, इसमें उनकी महारत थी। भारत जैसे देश में सिद्धांत व रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है, इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यहां बताती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधी नहीं। मतलब हमारे देश में करुणा के ऊपर हंसना बहुत ही गलत माना जाता है, लेकिन ऐसी जो है विचारधारा के अंतर्गत भी चार्ली चैपलिन हमारे देश में बहुत फेमस हुए। तो ये चीज बताई जाती है कि कला किसी एक देश तक संबंधित नहीं होती। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र, हर स्तर के दर्शकों को की पसंद नहीं बन पाए। तो चैपलिन जो है कि जैसे बहुत से कलाकार हुए, लेकिन चार्ली चैपलिन एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे। आज से अगर 20 साल पहले वो उतने फेमस थे तो आज भी वो उतने ही फेमस है और हर वर्ग में, चाहे बच्चा हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सभी में वो उतने ही फेमस है, सभी उनको देखने में बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली की वह शख्सियत हो सकता है जिससे सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, मतलब उनकी जो शख्सियत है उसमें हर व्यक्ति अपने आप को देखता है, वो ये नहीं देखता कि वो विदेशी है, ऐसा नहीं है। चार्ली चैपलिन के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी ना किसी परिस्थितियों में खोज ही लेते हैं। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन को जन्मशती मनाई जा रही है, मतलब उनकी जन्म शताब्दी बनाई जा रही है। इस वर्ष उनकी फिल्म मंकिंग शतक के भोपाल वर्ष पर होती है, मतलब इनकी जो क्या नाम आप जो मूवी है आपकी मंकिंग शतक उसकी उसके साथ उसको रिलीज करके उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इतने से समय में वाली दुनिया में मंच कर रहा आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है, मतलब इसका जो विकास है वो आजकल के विकासशील देशों में भी हो रहा है। इस क्या कहते हैं फिल्म का, चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची। इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफी कुछ कहने की गुंजाइश है। तो चार्ली की ऐसी बहुत सी रील्स हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, तो अगर उनका विवेचन किया जाए तो चार्ली पर आगे 50 वर्षों तक बहुत कुछ कहने के लिए हमारे सामने है। अब पाठ का सारांश देखते हैं। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित हैं, मतलब फीलिंग्स पे आधारित हैं, वृद्धि पर नहीं। मतलब आपको यहाँ पर वृद्धि नहीं बनानी, चीजें नहीं बनानी, वहां पे आप जब भी देखेंगे आप कहीं ना किसी इमोशंस को महसूस ही करेंगे। आप उसमें ये नहीं देखेंगे कि हम जल्दी जल्दी आगे को बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोबंथ सील, लॉस्ट ईयर इन मॉडर्न एंड बॉर्ड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक जैसा रसा स्वादन किया। मतलब ये जो पिक्चरें हैं जितनी भी, इसमें आम व्यक्तियों ने जितना मजा लिया उतना ही आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति ने भी मजा लिया था। इन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में त्रुटि है। तो इनकी फिल्मों ने कहीं ऐसा नहीं बोला कि ये किसी एक वर्ग या वर्ण के लिए था, ये सभी के लिए था। और उन्होंने ये चीज भी उनकी पिक्चरों में दिखाया
कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खामी होती ही होती, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। चैपलिन परिपक्वता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे, मतलब उनकी जो माता थी वो क्या थी, वो एक स्टेज कलाकार थी। उन्होंने भयानक गरीबी व मां के पागलपन में संघर्ष किया तथा पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए। मतलब उनकी माता जो है वो अच्छे स्टेज एक्टर नहीं बन पाई तो वो पागल हो गई, गरीबी भी झेली, पूंजीपतियों और सामंतों के अत्याचार भी सहे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को, गरीब लोगों को अत्याचार सहने पड़ते थे। इनकी नानी खानाबदोश थी, मतलब जो अपनी जगहें बदलते रहते हैं खाने या किसी भी सुविधाओं के चक्कर में, एक जगह रख के नहीं रहते। पिता यहूदी वंशी थे, मतलब वो यहूदी थे। इन सब ने चैंपियन को घुमंतू चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गी बुजुर्गा या उच्च वर्ग जीवन मूल ना अपना सके, मतलब वो क्या हुआ, वो हमेशा घूमते रहे। तो इस तरीके से वो बहुत ही उच्च वर्ग में नहीं आए, एक बुजुर्ग की, एक गंभीर बुजुर्ग की श्रेणी में भी वो कभी नहीं आ पाए। उनके जीवन में हमेशा क्या रहा, खुद भी प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना बना लेते हैं। अब क्या होता है, किसी दूसरे देश में बनी हुई पिक्चर हमारे देश में तब चलेगी जब हम अपनी भाषा में लेते हैं, लेकिन चार्ली ने इन सिद्धांतों को तोड़ा। मतलब फिल्में किसी सिद्धांतों पे नहीं बनती, वो क्या है, अपने सिद्धांत खुद गढ़ती हैं। और ये बात चार्ली चैप्लिन की फिल्मों द्वारा साबित हुआ, क्योंकि वो एकदम मूक फिल्में हुआ करती थी, कोई उसमें खाली म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं होता था, मगर सब देख के समझते थे। तो मतलब यहां पर किसी एक देश तक उनकी पिक्चरें सीमित नहीं रहती थी। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने परिचित को। चार्ली ने भावना को चुना, इसके दो कारण थे। बचपन में जब वह बीमार थे तो उनकी मां ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़ के सुनाया। ईसा ने सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। अब क्या था, दर्शक हमेशा जो है चार्ली के किरदार में स्वयं को ढूंढते हैं, अपने किसी जानने वाले को। कारण यह है कि उनके फिल्में भावनाओं से जुड़ी होती हैं। अब इन भावनाओं को वो लाए कहां से, जब वो छोटे थे तो बचपन उनकी माँ ने जो है ना बाइबल पढ़ के बताई, ईसा मसीह का पूरा जीवन बताया। तो जब बताते बताते जब सूली पे चढ़ने तक की बारी आई तब तक माँ और बेटे दोनों रोने लगे थे। तो मतलब भावनाएं उनके अंदर बचपन से ही आ चुकी थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। दूसरी घटना में चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। एक तो ये भावनात्मक था, दूसरी भावनात्मक ये था, जहां वो रहते थे उसके पास ही एक जो है कसाई खाना था, जहां जानवरों को लाके काटा था। वहां प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए लाए जाते थे, मतलब मारा जाता था उनको। एक बार एक भेड़ किसी तरह भाग निकली, उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे व फिसले तथा दर्शकों के ठहाके लगे। मतलब एक भेड़ वहां से निकल भागी, उसको पकड़ने के लिए लोग कहीं गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो उनको देख के सभी लोग जो देखने वाले थे वो हंस रहे थे। जब वह भेड़ पकड़ी गई तो चार्ली उसके अंत को सोचकर अपनी माँ के पास रोता हुआ गया, और जब वो भेड़ पकड़ ली गई तो उसको पता था कि ये मार दी जाएगी। तो अंत को देखकर वो बच्चा चार्ली बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया और रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच गया। उन्होंने अपनी अंतर कथा में स्वीकार किया कि इस घटना ने से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों में सामंजस्य का ज्ञान हुआ। अंतर कथा मतलब जब उन्होंने अपनी आत्मकथा पर आधारित जो जीवनी लिखी उनकी पुस्तक में, उसमें ये चीज उन्होंने बताया कि इस प्रकरण के बाद वो किस तरीके से करुणा से यानी कि दुख में हंसी ले लेते हैं, इस चीज पे उन्होंने अपनी महारत हासिल करी। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु करुणा का हास में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। मतलब भारतीय जितनी कलाएं हैं उसमें कोई ना कोई रस है, यानी 11 रस हैं हमारे, हम सभी जानते हैं। मगर जो जब हम चार्ली की पिक्चरों को देखते हैं तो क्या होता है, उसमें करुणा और हास्य रस दोनों है, और नए रस का होता है जो भारतीय सिद्धांतों में कहीं नहीं बैठता। मतलब दुख में हंसी ये कहीं पर भी नहीं बैठती है। हमारे यहां हास सिर्फ दूसरों पर है तथा वह
पर संताप से प्रेरित है, मतलब हम हंस सिर्फ दूसरों पर चलते हैं, अपने अपने कभी नहीं हंसते। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दूसरों के लिए है। अपने ऊपर हंसने में और दूसरों में भी वैसा मद्दा पैदा करने की शक्ति भारतीय विषयक में कम नजर आती है। मतलब चार्ली की पिक्चरों में तकलीफ है तो वो तब भी अपने ऊपर हंस रहा है। अब ये चीज हम अपने ऊपर हंस रहे हैं ये चीज तो है, लेकिन दर्शकों में भी ये मद्दा पैदा करना भारतीय संस्कृति में नहीं है। ये चार्ली की संस्कृति यानी चार्ली की पिक्चरों में ये हमें बहुत हद तक देखने को मिलता है। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से सम्मानित किया गया है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इसमें पारस्परिक और सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बोतल पानी होता है। मतलब दुख में हंसना और हंसते हुए दुख महसूस करना, यहाँ के लोगों ने इसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया जैसे यहाँ पानी तो हम सभी पीते थे लेकिन बोतल में बंद पानी भी हम लोग पीने लगे, उसी तरीके से हम लोगों ने इसे भी बहुत इजी वे में स्वीकार किया है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। मतलब अगर किसी की परिस्थितियां हैं, दुख में है, वो हंस रहा है तो बोलते हैं अरे तुम तो यार चार्ली चैपलिन से कम हो, उसका वेशभूषा देखकर चार्ली चैपलिन की उपाधि दे दी जाती, तो मतलब बहुत ही जल्दी सिमिलर कर दिया जाता है लोगों को। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी ना कभी विषयक समझता है, मतलब हम दूसरे में कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढते हैं जहां पर हम अपने आप को उस व्यक्ति से रिलेट कर सकें। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विषयक है, क्लाउन जोकर या साइड किक है, यानी कि हम किसी भी चीज में चीज को ढूंढते हैं। अगर एक क्लाउन भी है तो हम देखते हैं कि शायद क्या हम जीवन में कभी कहीं पे जोकर लगे थे, तो मतलब किसी भी चीज में हम अपने आप को खोजने लगते हैं। विषयक मतलब हम विषय बनाने लगते हैं अपने आप से रिलेटेड चीजों को। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सामित्य चाहा था। उनका कहने का मतलब है कि गांधी और नेहरू खुद चार्ली बनने का था, मतलब उनके ऊपर जब तकलीफें आए तो उन तकलीफों पे वो हंसे, ऐसा उन्होंने बहुत बार बनने की कोशिश की थी। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र को व्यापक स्वीकृति देकर राज कपूर ने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। चार्ली से ही प्रेरित होकर राज कपूर जी ने इन दोनों फिल्मों का निर्माण किया। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नाटकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी, मतलब इन दो फिल्मों को जो चार्ली को देखकर बनी थी, उनसे प्रेरित होकर बनी थी। इससे पहले फिल्म जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि जहां पर कलाकार अपने ऊपर ही हंसे। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चार्ली चैपलिन जैसे किरदार निभाए हैं। आप कहीं ना कहीं देखेंगे इन लोगों ने भी चार्ली चैपलिन जैसा रूप वेशभूषा ज्वाइन बनाई और उनके जैसे एक्ट भी किया। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, मतलब उसमें कुछ बोला नहीं जाता है, उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है, मतलब वहां पे मानवीय स्वरूप मतलब हाव भाव भाव भंगियों द्वारा ही आपको सारी फीलिंग समझाई जाती, मानव के अंगों द्वारा ही फीलिंग समझाई जाती है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। चार्ली सदैव थिएटर दिखते हैं और तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखाई देता है, तो चार्ली की पिक्चरें हम जब भी कभी देखते हैं तो हमें विदेशी नहीं मालूम पड़ते, हमें लगता है वो हमारे बीच का ही एक व्यक्ति है, यानी वो हमसे ही जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, तो हम उनकी पिक्चरों में अपने आप को बहुत ही आसानी से जोड़ लेते हैं। इस प्रकार उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। किसमें? चार्ली में कुछ भी बन जाते हैं, कभी एक बड़े व्यक्ति, कभी स्वीपर, कभी आपका कारपेंटर, मेसन, कुछ भी आप उनकी पिक्चर में देखेंगे वो कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच सकते हैं, चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा हंसता था। जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से युक्त सफलता सभ्यता संस्कृति स्मृद्ध से की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता था, मतलब वो स्वयं पर हंसते थे और हंसते हुए गर्व महसूस करते थे, सबसे शक्तिशाली महसूस करते थे और ये चीज पर्दे पर दिखाई भी देती थी। उनका रोमांच पंचर हो जाता है, मतलब उनका जो किसी से वो प्यार करते हैं टूट जाता है, तो क्या होता है पंचर हो जाता है, रोमांच पंचर हो जाना मतलब किसी से प्यार करते हैं तो दिल टूट गया,
महानतम क्षणों में वह अपमानित होना जानता है और उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बनते हैं। मतलब कोई किसी का प्यार छूट जाए तो उदास हो जाएगा, लेकिन उन उदास क्षणों में भी वो किस तरीके से लोगों पे हंसी ले आते हैं, ये सभी चीजें हैं। मतलब दुख और तकलीफ पे भी वो लोगों के दिलों को जीतना जानते हैं। तो ये थी चार्ली चैपलिन की थोड़ी सी कथा, थोड़े से उनके बारे में जाना हमने, उनकी पिक्चरों के बारे में जाना, साथ ही भारतीय संस्कृति से वो कैसे रिलेट करते हैं ये भी हमने जाना और समझा। इस तरीके से इस पाठ का सार हमने यहीं पर खत्म किया। आपको कभी भी कोई भी वीडियो ढूंढना हो तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetsbin.com। आप वहां जाएंगे, आपको अपनी क्लास चूज करनी है, जिस भी क्लास का आप पढ़ना चाहते हैं। चूज करते ही आप जैसे ही इस पे क्लास पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है आपको वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स आपके सामने आ जाएंगे, जितनी बुक्स हैं, जितने चैप्टर हैं, सभी सामने आ जाएंगे। तो आप जो भी चैप्टर पे डाउट है आपको, आप उसको ओपन कीजिए। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे उस चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे। उन टॉपिक्स में आपको जहां डाउट है क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह वीडियो देखिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और अपनी स्टडी को बहुत ही आसान बनाइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।